तेज गांव न्यूज के साथ मैं हूं सहाफिया बल्कीज और अब वक्त हुआ है अकवाले मिस दुनिया का। आखिरकार दो मुसलमान बापों के बेटे बराक हुसैन ओबामा ने अब मुसलमानों से अपनी मादरी जबान की बजाय फादरी जबान में बातचीत शुरू कर दी। पाकिस्तान के हालात हाजरा की एक बड़ी खूबी ये है कि ये हमेशा हाजिर रहते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को अपनी आखिरी दिनों में ये गलत फहमी लाहक हो जाती है कि वो हुकूमत खुद चला रही है। दहशतगर्दी एक ऐसी बड़ी इंडस्ट्री है जो अब अपने चलाने वाले को चलता करने चल पड़ी है। पाकिस्तान को जीरो समझने वाली दुनिया अब ये जान गई है कि इसके बगैर कोई गिनती पूरी नहीं होती। सुनो, ये चाचा जी अब्बा जी हैं तुम्हारे। तो चल। بخدمت اقدس السلام عليكم وعليكم السلام پلیز سٹ ڈاؤن شکریہ میڈم یہ ہیں آپ کے اردو کے ٹیچر میرا مطلب ہے پروفیسر شوکت او کہیں آپ کی اردو بھی آپ کی طرح کمزور تو نہیں میڈم میں ظاہراً کمزور ضرور واقع ہوا ہوں مگر باطنن کمزور نہیں ہوں میں الحمدللہ और आप माशाल्लाह अच्छी वाली उर्दू बोल रही हैं, आपको क्या जरूरत है उर्दू सीखने की, बल्कि तंज भी फरमा रही हैं बीच बीच। तुमने ना हक मुझे तकलीफ दी, तुम्हारा नाम क्या है नालायक के अलावा? हसन, माफी चाहता हूँ, आप तशरीफ रखें, इन्होंने आपको बुलाया था। मैं पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ना चाहती हैं आप? पढ़ना चाहती हैं? खूबसूरत लोगों को भला पढ़ाई की क्या जरूरत हो सकती है, खूबसूरत तो खुद दूसरों को पढ़ने डाल देते हैं। ये पढ़ाई लिखाई तो हमारा काम है, बेशकलों का, बाकलों का। मुझे उर्दू लिखना नहीं आता और मैं आसानी से लिटरेचर नहीं पढ़ सकती। जो लिटरेचर लिख रहे हैं उन्हें कब पढ़ना आता? अब तो बस काम चलाओ का दौर है। कहीं आप उर्दू सीख के एक कालम लिखने का इरादा तो नहीं रखती? जी, मैं समझी नहीं। मैडम, जिसे दो हरफ लिखने आ जाते हैं वो कालम निगार बन जाता है। गए जमानों की बात है कि बादशाह अपने कसीदा गो रखते थे, अब ये काम कालम निगार कर रहे हैं, कभी तारीफ करके, कभी तहरीफ करके, कहीं तख़फ़ीफ़ करके और कहीं तनकीद करके। आप मैम को जदीद उर्दू लिटरेचर के बारे में कुछ बताए ना। तुर्की जबान का लफ्ज़ है ये उर्दू, इसके मैंने हैं जी लश्कर, और लश्कर के मैंने हैं फौज। हमारा मिजाज, हमारी जमहूरियत, हमारी जुबान, हमारी दुकान, सब कुछ फौजी है। पर आप तो मुझे मन मौजी लग रहे हैं। Is it the right word? मन भी समझती हैं आप, मौज भी समझ रही हैं आप। आप बेवकूफ तो नहीं बना रही हैं इस बंदे को? मैं जी इनके लिए चाय वाय का बंदोबस्त कर लूं, वरना ये तो बोलते ही रहेंगे। शुक्रिया, पानी का गिलास भी भिजवा दीजिएगा। एक्शन, एक्शन मैम। जी व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सलाम क्यों किया? अच्छा, आप जानते हैं तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? जी क्या कहा, मैं इंडिया चली गई थी। नहीं जी, देखें ये सब मेरे बारे में अफवाहें हैं, मैं तो आपके सामने मौजूद हूँ टॉप 10 बयानात लेकर। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जी क्या कहा, मजाक क्यों कर रही हूँ, चल नहीं करती। हमारा आज का पहला बयान हमारे हर दिल अजीज वजीर लॉर्ड शेरिंग जनाब राजा साहब का है। उन्होंने कमाल मुस्तकिल मिजाजी से एक ही बयान 175वीं दफा दोहराया है कि आवाम थोड़ा सा सब्र करें, वो बहुत जल्द बिजली बिजली कर देंगे। राजा साहब, आवाम तो पहले बिजली बिजली कर रहे हैं। उन्होंने खुशखबरी सुनाई है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस साल के आखिर तक वो बिजली खत्म कर देंगे, माफ कीजिएगा लॉर्ड शेरिंग खत्म कर देंगे। अब तो उनके कुलीग मिनिस्टर्स भी उन्हें समझाने लगे हैं कि देखें 2011 तक इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि लॉड शेडिंग खत्म हो, तो फिर वो रोज बढ़ के क्यों मारते हैं।
2011 के बाद अगर कोई इस तरह का इम्कान पैदा होता है तो वो तब इस तरह के बयान जरूर दें, और अगर 2011 तक वो इस महकमे के वजीर रहे, और अगर तब तक ये महकमा भी रहा, तो देखिए महकमा तो उस चीज़ का होता है जिस चीज़ का कोई वजूद हो। लेकिन राजा साहब का कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं है, आखिर मुल्क में अमन व अमान और खारजा पॉलिसी की वजारतें भी तो हैं, हालांकि इस तरह की कोई चीज़ मुल्क में है तो नहीं। हमारे क्यूट से वजीर आजम ने सरकारी टीवी के एक तकरीब में इनकशाफ किया है कि अडियाला जेल में उन्हें कैद के अलावा सरकारी टीवी देखने की सहूलत भी मुयसर थी। गिलानी साहब, ये तो आपकी सजा का हिस्सा थी। उन्होंने सरकारी मीडिया पर जोर देकर कहा है कि अब वो हर तरह से आजाद हैं। जी मैं मीडिया की बात कर रही हूँ, गिलानी साहब के बारे में कुछ मत समझ लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि सरकारी मीडिया हर तरह से आजाद है, अब वो जिस तरह से चाहे हुकूमत की तारीफ करे। सहाफिया बल्कीज एक मरतबा फिर हाजिर है ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अमरीका के सदर बाराक हुसैन ओबामा के मोबाइल फोन का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लिया गया है। जी अली जान। सिर्फ ये नहीं, अमरीका के खुफिया एटमी तनसीबात के नक्शे और महल्ले वकूफ की तफसीलात गलती से नेट के जरिए मंजरे आम पर आ गई हैं, और ये एक जिम्मेदार सुपर पावर का हाल है। माशाल्लाह, हैरत है, जो मुल्क हर वक्त हमारे एटमी असासों के बारे में परेशान रहता है उसका ये हाल है। वैसे कोई हाल नहीं है। हमारे व्यूअर्स को ये जानकर हैरत होगी कि अमेरिका बहादुर को सोते जागते इस बात का खतरा लाहक होता है कि कहीं पाकिस्तान के एटमी हथियार दहशतगर्दों के हाथ ना लग जाएं, और इसके अपने एटमी हथियार बड़े आराम से खरीदे जा सकते हैं। क्या वाकई? बहुत अच्छे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, कोई भी अमेरिकी अखबार उठा के देख लें। ये अमेरिका है क्या? सुपर पावर, अपनी आंख का शैतीर भी नजर नहीं आता और दूसरों की आंख के तिनके भी बाले लगते हैं। आप बाले समझती हैं ना? कोई बात नहीं, लोग समझते हैं।